आई एम अर्णव। आज मैं आप लोगों को ट्रेंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे कई कॉमेंट मेरे कई व्यूअर्स ने कहा था कि आप एक वीडियो अपलोड करिए ट्रेंड्स के बारे में, तो मैंने सोचा अब ट्रेंड्स के बारे में, चाहे कोई भी हो चाहे मेरे व्यू, मैं सबके लिए नॉलेज के लिए वीडियोज बनाया हूँ ट्रेंड के बारे में। इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ट्रेंड के ट्रैक में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं बनने के लिए, फिर मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ ट्रेन, और फिर मैं बताऊंगा ट्रेन के पीछे क्रॉस क्यों होता है। ये सब मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं लास्ट में बोलता हूँ तो आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए मैं आपको अपने पिछले वीडियो मेरा क्या था, सफ़ेद शेर के सफ़ेद होने का राज, जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने लास्ट में क्या पूछा था, ट्रिलियन के बाद क्या आता है। तो चलिए मैं आपको ट्रिलियन के बाद क्या आता है वो बता देता हूँ। तो अब आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा कि मैं अभी आपको मिलियन से बताऊंगा, मिलियन से हम ट्रिलियन में पहुंचेंगे, फिर ट्रिलियन, फिर ट्रेंड, हाँ ऐसे मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपना एक नंबर लेते हैं मिलियन, तो मिलियन के बाद क्या आता है, 10 मिलियन। 10 मिलियन के बाद आता है 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद आता है बिलियन। बिलियन के बाद आता है 10 बिलियन, और 10 बिलियन के बाद आता है 100 बिलियन, और फाइनली हमारा ट्रिलियन आ जाता है। तो अब ट्रिलियन के बाद आता है 10 ट्रिलियन, और 10 ट्रिलियन के बाद आता है 100 ट्रिलियन। और अब वही एक अच्छी सी बात है कि अब ट्रिलियन के आगे पहुंचेंगे, तो ट्रिलियन के बाद आता है क्वाड्रिलियन, और फिर क्वाड्रिलियन के बाद आता है 10 क्वाड्रिलियन, उसके बाद आता है 100 क्वाड्रिलियन, उसके बाद आता है क्विंटिलियन, और फिर क्विंटिलियन के बाद आता है 10 क्विंटिलियन, फिर 10 क्विंटिलियन के बाद आता है 100 क्विंटिलियन, और 100 क्विंटिलियन के बाद आता है सेक्सटिलियन, और फिर सेक्सटिलियन के बाद आता है 10 सेक्सटिलियन, फिर 10 सेक्सटिलियन के बाद आता है 100 सेक्सटिलियन। ओह कितना हो रहा है भाई, अगर हम लोग मैं पूरा काउंट करूंगा तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, पर मैं आपको बता ही देता हूँ। तो इसके बाद आता है सेप्टिलियन, और सेप्टिलियन के बाद आता है 10 सेप्टिलियन, 10 सेप्टिलियन के बाद आता है 100 सेप्टिलियन, और मैं और नहीं बता पाऊंगा क्योंकि नंबर्स कभी ख़त्म ही नहीं होते। तो अब हम लोगों ने ये भी जान लिया ट्रिलियन के बाद क्या आता है, वो हम लोग अभी बता ही रहा था। तो अब हम लोग, मैं ट्रेन वाली बात चली थी ना, हाँ बताया था। तो पहले मैंने क्या बताया था कि ट्रेन ट्रैक के कंपोनेंट्स, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो ट्रेन ट्रैक होता है वो हल्का सा ऊपर बनता है, और वो हल्का हल्का सा भी ऊपर क्यों बनता है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेन ट्रैक के, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा पूरी एक अच्छी सी पिक्चर जिसमें क्या है, तो चलिए मैं बताता हूँ। सबसे नीचे है, देखिए सबसे नीचे है नेचुरल ग्राउंड, मतलब नेचुरल होता है वो, हम लोग कुछ नहीं करते। फिर नेचुरल ग्राउंड के ऊपर होता है सॉयल सबग्रेड, जो हम लोग एक सॉयल बनाते हैं हम लोग, और वो डालते हैं उसके ऊपर ट्रेन के जो आगे का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए फॉर्मेशन बोले ही, तो सॉयल सबग्रेड के ऊपर होता है फॉर्मेशन, और फॉर्मेशन तो फॉर्मेशन हो गया। अब उसके ऊपर जो आप स्टोन्स होते हैं वो भी तो आने होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्टोन्स होते हैं उसमें, तो जो स्टोन्स का होता है उससे हम कहते हैं ब्लास्ट, वो वाला ब्लास्ट नहीं कि ब्लास्ट, वो नहीं, ब्लास्ट होता है वो, ब्लास्ट ब्लास्ट थोड़ा अलग है। तो फिर इस ब्लास्ट के ऊपर देखिए स्लीपर्स आती हैं, देखिए स्लीपर्स आती हैं जो उसके ऊपर लगी होती हैं, फिर उसके ऊपर कुछ निकले रहते हैं ना, जैसे यहाँ से ट्रेन जाती है, ट्रेन का जो ट्रैक होता है उससे हम कहते हैं रेल, और बताया था वो स्लीपर। तो ये था एक पूरा, जिसमें आपको पता चल गया होगा पूरी ट्रेन ट्रैक की फॉर्मेशन। तो मैंने अभी तक आपको दो चीजें बता दी हैं, पहली थी ट्रिलियन की बात क्या आता है, 100 वो वाली बताई थी ना अभी, और फिर और मैंने भी ट्रेन ट्रैक का फॉर्मेशन पूरा बता दिया है। तो अब थर्ड स्टेप था, जो थर्ड चीज थी वो थी हमारी टाइप्स ऑफ ट्रेन। तो टाइप्स ऑफ ट्रेन तो बहुत होती,
होती हैं बहुत ज्यादा, पर मैं आपको कुछ ही बताऊंगा वो भी ना, तो मैं आपको कुछ ही बताऊंगा, सारी बताऊंगा, पूरे वर्ल्ड में बनती रहती हैं जो अभी तक हैं वही मैं बताऊंगा, ये मुझे नहीं पता कि कब बन रही है, मैं बस मैं आपको ये बताऊंगा जो अभी तक नई नई निकली है, ये पुरानी, मैं आपको सारी तरह की ट्रेंस बताऊंगा बिल्कुल डिटेल में, क्यों क्या होती है क्या, मैं आपको सारी इसके बारे में मैं इसी वीडियो में आपको सब चीज बताऊंगा, तो इस वीडियो को हल्का से भी स्किप ना करिए, वरना आप कुछ नॉलेज अपने आप को गेन नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नॉलेज ले नहीं पाएंगे। तो चलिए अपनी पहली ट्रेन लेते हैं, ट्रेन नंबर 1 बुलेट ट्रेन। तो अभी की जो हमारी पहली ट्रेन है वो है बुलेट ट्रेन। तो बुलेट ट्रेन अभी तक मॉडर्न डेट में जो सबसे तेज सुपर स्पीड ट्रेन्स होती हैं बुलेट ट्रेन्स, जापान में तो बहुत सारी होती हैं बुलेट ट्रेन, पर आप लोगों ने कई बहुत सारी बुलेट ट्रेन कितनी तेज चलती हैं, तो पहले के जो पहली बार ट्रेन्स कभी बन बुलेट ट्रेन्स बनी होंगी, तो पहले जो उसकी स्पीड थी वो थी 180 किलोमीटर पर आवर, और अभी थोड़े दिनों पहले अभी जो मॉडर्न है वो तो 300 है, पर अभी जो थोड़ी देर पहले मतलब बहुत दिन हो गए वो थी 270 किलोमीटर पर आर, और अभी मॉडर्न डेट में है 300 किलोमीटर पर आर। ट्रेन नंबर 2 एक्सप्रेस ट्रेन। तो आज की जो हमारी सेकंड ट्रेन है वो है एक्सप्रेस ट्रेन। तो एक्सप्रेस ट्रेन तो कई तरह की होती है, पर जो कॉमनली हम लोग ट्रेन देखते हैं एक्सप्रेस ट्रेन, वो मैं अभी बताऊंगा, उनका भी इंट्रोडक्शन दूंगा, पर अभी थोड़ा सा तो एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। तो एक्सप्रेस ट्रेन जैसे होती हैं राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, ये तो बहुत कॉमन एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं, बहुत कॉमन एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं। तो इन दोनों जो मैंने अभी ट्रेन के नाम बताए हैं, जो उनकी मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 150 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन नंबर 3 मेट्रो ट्रेन। तो आज की जो थर्ड टाइप की ट्रेन है वो है मेट्रो ट्रेन। तो मेट्रो ट्रेन्स तो कई तरह के, जैसे कुछ आप लोग जैसे कहीं जा रहे हो अपने कार से कहीं जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ब्रिज से कोई ट्रेन जाती है मेट्रो ट्रेन्स, और कुछ कुछ अंडरग्राउंड ट्यूब्स बहुत तरह से हो जाती हैं, उनका बहुत तरह तरीके से कोई ऊपर कोई नीचे, बहुत तरह अंडरग्राउंड भी जाती हैं, बहुत तरह से जाती हैं वो अंडरग्राउंड ट्यूब से जाती हैं। पर कभी आपने सोचा है, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेन की बात चल रही है और सबसे जो कॉमन ट्रेन है वो है दिल्ली ट्रेन। और अब जो मेट्रोज दो होती हैं, तो मेट्रोज जो होती हैं मेट्रो ट्रेन्स होती हैं, उनकी मैक्सिमम स्पीड कितनी होती है मैं सबकी यहाँ बता रहा हूँ ना। तो जो कोई भी मेट्रो, चाहे दिल्ली मेट्रो चाहे कोई भी जगह की मेट्रो हो, उससे हम लोग जो उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, कोई भी टाइप की मेट्रोज जो होती हैं उसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 100 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन नंबर 4 कम्यूटर रेल। तो आज की जो हमारी फोर्थ ट्रेन है वो है कम्यूटर रेल। चाहे आप कम्यूटर ट्रेन कहिए चाहे कम्यूटर रेल, रेल ट्रेन दोनों का मतलब तो सेम ही चीज है, कम्यूटर रेल कम्यूटर ट्रेन दोनों का मतलब वही होता है, तो मैं कम्यूटर रेल कहूँ क्योंकि वो करेक्ट नेम है, उसे वही कहा जाता है। कम्यूटर ट्रेन पता नहीं कुछ लोग कहते हैं, पर कम्यूटर रेल ठीक होता है, वो अच्छा, वो वही नेम वही रखा गया था कम्यूटर रेल। तो क्या आप जानते हैं कि कम्यूटर रेल जैसे वो लॉन्गर जो लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं उनको पूरा पार करने के लिए कम्यूटर रेल यूज होती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इतने लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो वो यूज होती है पर वो इतने धीरे मैं बताता हूँ नंबर में, कम्यूटर रेल की जो स्पीड होती है वो होती है 50 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन नंबर 5 रीजनल ट्रेन। तो जो आज की हमारी फिफ्थ ट्रेन है, टाइप की ट्रेन है वो है रीजनल ट्रेन। पर क्या आप जानते हैं कि जो रीजनल ट्रेन होती है, आप ये नहीं जानते होंगे कि रीजनल ट्रेन, जैसे आप कम्यूटर रेल जो मैंने पिछली बताई थी उसमें क्या था कि आप उसमें लॉन्ग डिस्टेंस पार कर सकते हो, पर ये जो ये वाली ट्रेन है उसमें आप लॉन्ग डिस्टेंस पार नहीं कर सकते। इसकी जो स्पीड होती है मैक्सिमम वो होती है 180 किलोमीटर पर आवर। और जो मैं क्या बात कर रहा था कि रीजनल जो ट्रेन होती है, रीजनल ट्रेन में मैंने बताया था कि आप उसमें ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते,
उसमें 1-3 आवर्स का ही जो सफर पूरा डिस्टेंस पूरा कर सकते हो। ट्रेन नंबर 6 टोरंटो एक्सप्रेस। तो ये जो आज की मेरी ट्रेन है उस वो 6th नंबर में हमारे टाइप में वो 6th नंबर में आई है जो हम लोग आज पढ़ेंगे 6th नंबर में है वो। और क्या आप जानते हैं कि ये जो ट्रेन होती है पहले मैं आपको इसकी स्पीड बता देता हूँ मैक्सिमम। जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 130 किलोमीटर पर आवर। और उसे एक अजीब सी टोरंटो जो एक्सप्रेस है उसे एक अजीब सा कैटेगरी में रखा गया है जिस कैटेगरी को हम कहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस नॉन स्टॉप। ट्रेन नंबर 7 लाइट रेल। तो जो आज की हमारी 7 ट्रेन है वो है लाइट रेल। और जो लाइट रेल की जो वो क्या कहते हैं जो लाइट रेल की मैक्सिमम स्पीड है और मैं आपको बता दूं इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट है वो आप सुनेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा। माइंड ब्लोइंग फैक्ट है ये इस ट्रेन लाइट रेल के बारे में वो है कि ट्रेन नहीं है मतलब ट्रेन हो के भी नहीं तब भी ट्रेन के टाइप कैटेगरी में आती है। पता है क्यों? क्योंकि ट्रैम और ट्रेन को मिक्स करके जो इसका मिक्सचर है उसे हम कहते हैं लाइट रेल। और इसकी मैक्सिमम स्पीड होती है 106 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन नंबर 8 गतिमान एक्सप्रेस। तो जो आज की हमारी 8th ट्रेन है वो है गतिमान एक्सप्रेस। नाम में ही लगा है गति स्पीड गतिमान एक्सप्रेस। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो गतिमान एक्सप्रेस है उस वो इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड की इंडिया की पहली सेमी हाई स्पीड की ट्रेन थी मतलब अभी है गतिमान एक्सप्रेस। तो ना मैंने अब आपको एक और चीज बता देता हूँ कि जैसे गतिमान एक्सप्रेस जो पहली बार कहीं से गई होगी तो कहाँ तो पहली बार दिल्ली में थी फिर दिल्ली से वो झांसी में वहाँ एक जगह होती झांसी वहाँ दिल्ली से झांसी तक वो पहला अपनी यात्रा अपनी पहला डिस्टेंस पूरा करी थी। और वही मैं परार स्पीड तो बता दूँ तो जो गतिमान एक्सप्रेस की जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 160 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन नंबर 9 गरीब रात एक्सप्रेस। तो जो आज की 9 टाइप की जो ट्रेन है वो है गरीब रात एक्सप्रेस जिसे हम लोग हिंदी में गरीब रथ एक्सप्रेस कहते हैं। इसके में आप लोग क्या आप जानते हैं कि जो ये ट्रेन है वो जो लोग ज्यादा पैसे नहीं दे पाते हैं उनके लिए बनी है। इंडियन रेलवे वाले लोग हैं उन्होंने इस ट्रेन को 2005 में लॉन्च किया था। ट्रेन नंबर 10 मैगलेव। तो आज की जो हमारी 10th ट्रेन है वो है मैगलेव ट्रेन। क्या आप जानते हैं मैगलेव ट्रेन के बारे में एक फैक्ट कि मैगलेव ट्रेन की बहुत बड़ी खास बात है कि मैगलेव ट्रेन जो मैग्नेटिक फ्रिक्शन की वजह से चलती है और वो चलती तो इतनी तेजी से है कि जो चाइना कंट्री है उसने एक मैगलेव ट्रेन निकाली है जिसकी मैक्सिमम स्पीड पता है कितनी उसकी इतनी तेज स्पीड है उसकी मैक्सिमम स्पीड है 600 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन नंबर 11 वंदे भारत एक्सप्रेस। तो आज की जो 11 टाइप की ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस को ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है और वो एक एसी ट्रेन है। और जो उसकी मैक्सिमम स्पीड पता है कितनी होती है उसकी अभी 600 किलोमीटर जो मैंने बताई थी वैसी नहीं थोड़ी कम है और वो है 200 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन नंबर 12 इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो जो आज की 12th ट्रेन है वो है इंटरसिटी ट्रेन। क्या आप जानते हैं कि जो इंटरसिटी ट्रेन है वो सिटी को स्टेट्स की कैपिटल से जोड़ती है जैसे उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है तो वो स्टेट की कैपिटल से जोड़ती है। और इंटरसिटी एक्सप्रेस की जो मैक्सिमम हाईएस्ट टू पीक वाली स्पीड होती है वो होती है 280 किलोमीटर पर आवर।
तो चलिए, मैंने आपको कितनी सारी ट्रेन्स का इंट्रोडक्शन दे दिया है। तो जो मेरा थंबनेल था, आपने थंबनेल देखा ही होगा, तो मैं आपको बताता हूँ थंबनेल में था कि ट्रेन के पीछे क्रॉस क्यों होता है। तो मैं बताता, आप जिन लोगों ने नोटिस नहीं किया कि ट्रेन के पीछे क्रॉस क्यों होता है, तो चलिए मैं आपको कुछ ऐसी पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि ट्रेन के पीछे क्रॉस होता है। तो अब आपको आपके स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, एक ट्रेन की पिक्चर है और उस ट्रेन के पीछे क्रॉस है। और अब आप सोच रहे होंगे उनके पीछे क्रॉस क्यों होता है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ ट्रेन के पीछे क्रॉस क्यों होता है। तो ट्रेन के पीछे जो क्रॉस होते हैं उसके पीछे बड़ा रीजन है। जैसे अगर हम लोग माने कि जो ट्रेन है उसके पीछे, जैसे वो एक लंबी ट्रेन है जिसमें 10 डिब्बे हैं, आपको ये जैसे 10 डिब्बे हैं, तो जैसे 10 वाला जो डिब्बा आपको ये याद रखना है कि जो क्रॉस होगा वो लास्ट वाले ही डिब्बे में होगा। लास्ट, जैसे अगर 20 डिब्बे हुए तो लास्ट वाले जो 20th होगा उसमें ही। वैसे भी 10 डिब्बे जैसे हम लोग मान रहे हैं तो 10 वाले में ही क्रॉस है। और अगर 10 वाला डिब्बा का मिस हो जाए, कहीं वो निकल के पीछे छूट जाए, तो जहां वो पहुंचेगा तो ऐसे पता, जैसे अब तो पीछे कोई क्रॉस, अब डिब्बा तो खो गया है, अब उसमें क्रॉस है ना। 9th वाले जो डिब्बा होगा, 9th वाले में तो कोई क्रॉस नहीं है, तो अब उन लोगों को पता चल जाएगा कि अब इसमें तो कोई क्रॉस नहीं है, तो मतलब इसके पीछे एक और डिब्बा होगा, क्योंकि वो पहले से काउंट करते रखे होंगे कि 10 है तो 10 डिब्बे हैं। अगर उसमें से एक चला गया तो अगर लगा कि 10 डिब्बा आया ही नहीं होगा, पर जो 10 मतलब आप समझ, मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूँ, मतलब जो 10th मतलब जो लास्ट वाला डिब्बा होगा, मतलब क्रॉस का मतलब ही यही होता है कि उसके बाद ट्रेन खत्म, उसके बाद कोई डिब्बा नहीं होगा। अगर वो खत्म हो जाएगा तो फिर आएगा, मतलब अगर जैसे वो डिब्बा कहीं खो गया और 9th वाला जो डिब्बा भी बता रहा था 9th वाले में क्रॉस नहीं, तो उन्हें पता चल जाएगा इसमें तो क्रॉस नहीं, मतलब अभी एक डिब्बा और है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जो मैं आपको इस वीडियो के जो कमेंट में बताना है और जो अगला वीडियो आएगा उसके कमेंट में बताना है। और वो क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम खाने के लिए यूज़ करते हैं पर हम खाते ही नहीं। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको इस वीडियो की नॉलेज पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय।